नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। शासकीय महाविद्यालय लांजी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। लांजी नगर में स्थित शासकीय महाविद्यालय लांजी में रेड रिबन क्लब NSS इकाई शासकीय महाविद्यालय के द्वारा दिनांक 12 सितंबर को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में ग्रामीण एवं शासकीय विभाग के कर्मचारी तथा शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्वप्रथम रक्तदान का महत्व विषय पर व्याख्यान देते हुए शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य आर सोनवा ने रक्तदान को महादान बताया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से हम आपदा एवं आपातकालीन स्थितियों में लोगों की न केवल जान बचा सकते हैं अपितु उन्हें नया जीवन भी दे सकते हैं। श्री सोनवाने जी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को आगे बढ़कर रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि रक्तदान से पूर्व समुचित स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत ही आप रक्तदान कर सकते हैं। श्री सोनवाने जी ने यह भी बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे महाविद्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सक्रिय रूप से सभी छात्र छात्राओं का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और इस कार्यक्रम में जनपद समूह के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे महाविद्यालय में ग्रामीणों ने भी आकर रक्तदान शिविर में रक्तदान कर सहयोग करने का काम किया है। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। मैडम जी, आपका परिचय? मैं ब्लड बैंक काउंसलर श्यामा से। आज यहाँ पे कॉलेज में क्या कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है? आज यहाँ शासकीय महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जिससे जहाँ की हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय बालाघाट की ब्लड बैंक की सारी टीम के द्वारा यहाँ रक्तदान किया है। जो रक्तदान ले रहे हैं अभी इसी दिन को लगाएं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? रक्तदान शिविरों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में रक्तदान के को लेकर के जागरूकता है और अधिक से अधिक संख्या में लोग रक्तदान करें, जिससे कि शासकीय जिला चिकित्सालय में रक्त की आपूर्ति बनी रहे और जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि मैडम जी, NSS इकाई के और क्या कार्य होते हैं? NSS इकाई के स्वास्थ्य के अतिरिक्त और वृक्षारोपण है और साफ सफाई के कार्यक्रम हैं, ये किए जाते हैं और समय समय पर अलग अलग गतिविधियाँ करी जाती हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और ऐसे जन जागरूकता जैसे अब मतदान जागरूकता रैली, नाट्य और क्या कहना चाहिए उसको, रोड शो करते हैं, सभाएँ करते हैं, नाट्य करते हैं, ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की छात्रा हैं? गवर्नमेंट कॉलेज लांजी की। आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू NSS इकाई के थ्रू हमारे यानी कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। तो अभी तक ऐसे कितने लोग हैं ब्लड डोनेशन करने? अभी तो 20 से 25 हो गए लगभग, पर 70 का डोनेट कैंप है। अच्छा, तो इस क्या मंशा रहती है ब्लड डोनेट करने, क्या उद्देश्य रहता है इसका? मतलब ताकि जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है या फिर जिनको ब्लड की आवश्यकता है उनके लिए। ठीक है, आयोजन किया जा रहा है, ये प्रशंसनीय है। मानवता के लिए ये बहुत जरूरी है कि रक्तदान महादान कहलाता है और इसको इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि जहाँ तहाँ यत्र तत्र आज ही कहीं सुनने में आता है कि एक्सीडेंट हो गया है और ऐसी स्थिति में ब्लड बहुत जाता है, पेशेंट का उनकी आवश्यकता होती है और ये आपका जो ब्लड है वह उन लोगों के लिए जीवन का काम करेगा, उनके जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस आशा के साथ मैं चाहता हूँ कि अधिकाधिक लोग आकर के ब्लड डोनेशन करें और इस रक्तदान महादान का पुण्य कमाएं। मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।